श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य प्रचार समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य सप्ताह परायण का कल यानी 13 दिसंबर से शुभारंभ होगा, जो 19 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में श्री लीला रसिक जी गुरु जी महाराज और ब्रिज रसिक श्रीमती राधा रश्मि जी माता जी, इसके अलावा डॉक्टर श्री कृष्ण टिंकर जी इस कार्यक्रम में अपनी मधुर वाणी से लोगों को लाभान्वित करेंगे। ये कार्यक्रम चंपकवाई धर्मशाला गांधी समाधि के पास रामपुर पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर श्री लीला रसिक जी गुरु जी ने बताया, इसमें प्रवचन रहेगा, भजन रहेगा और ठाकुर जी की लीलाएं रहेंगी। श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य हमारे गुरुदेव भगवान ब्रज रसिचारी श्री प्रियदर्शी जी महाराज की रचना है, उसी के ऊपर लीलाएं सुनेंगे। गुरु जी ने कहा, इस कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद धर्म का प्रचार करना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है। घर घर में भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, क्योंकि कलयुग आ गया है और कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा है। उसी के सहारे के लिए हम लोग कीर्तन करते हैं और भजन करते हैं। सभी लोगों से गुरु जी ने अपील की है कि सभी लोग आपस में प्रेम से रहिए और प्रेम से एक दूसरे का सम्मान करें और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिए। इसमें प्रवचन रहेगा, भजन रहेंगे और ठाकुर जी की लीलाएं रहेंगी। श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य हमारे गुरुदेव भगवान ब्रजरस रसिकाचारी अनंत श्री विभूषण प्रियदर्शी जी महाराज की रचना है, उसी के ऊपर लीलाएं सुनाएंगे। काफी सालों से कार्यक्रम रामपुर में हो रहा है, इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, क्या मकसद है? महत्व धर्म का प्रचार है, सनातन धर्म का प्रचार करना है। घर घर में भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, कलयुग आ गया है, कलयुग में केवल भगवान के नाम का सहारा है, उसी के सहारे के लिए हम लोग कीर्तन करते हैं और भजन कराते हैं। महाराज जी, जिस तरह से समाज में बुराइयां कुरीतियां फैली हुई हैं, उन कुरीतियों और बुराइयों खत्म करने के लिए क्या मैसेज है? एक ही मैसेज है कि आपस में प्रेम से रहिए, प्रेम से अपना एक दूसरे का सम्मान करिए और अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रहिए। हमारा देश तो हमेशा से, कभी हमारे भारतवर्ष ने किसी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया, हमेशा एक ही संदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया। 7 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर रामपुर और आसपास के जनपद की जनता से क्या अपील करेंगे इस कार्यक्रम? बस यही अपील करेंगे कि आए, आकर के श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, कौन सी जगह? Yes.